continue with the same question. What were we discussing? We were discussing this question: describe the role of independent directors, nominee directors, women directors, and non-executive directors in a board. So far, I have told you to some extent about the women directors, to some extent about the non-executive directors. Now, in detail, we're going to discuss about these two directors as well: independent directors and nominee directors. नाउ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में थोड़ा डिस्कस हम लोग कर लेते हैं. नाउ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जब मैं कहता हूँ तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय द इंडिपेंडेंस? तो इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, इसको थोड़ा समझते हैं. जैसे मान लो कि ये एक कंपनी है, ठीक है. अभी तक मैंने आपको बता दिया कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं. इतना आपको पता लग गया कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो कंपनी में आकर के डे टू डे बेसिस में काम करते हैं, ठीक है. और जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वो डे टू डे बेसिस में काम नहीं करते. वो जब भी बोर्ड मीटिंग होती है, जब भी कमेटी की मीटिंग होती है, तो वो कंपनी में आते हैं और अपनी एक्सपर्ट नॉलेज शेयर करते हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से क्वेश्चनिंग करते हैं कि आपने अगर ये काम किया तो कैसे किया, इस बार अगर फाइनेंशियल रिजल्ट्स में प्रॉफिट कम हुआ है या लॉस हुआ है, या मान लो किसी दूसरी कंपनी ने हमारी कंपनी के अगेंस्ट केस कर दिया, तो आप किस तरह से उस सिचुएशन को डील कर रहे हैं, ठीक है. जो अलग अलग तरह के रिस्क हैं कंपनी के ऊपर, आप उनसे कैसे टैकल कर रहे हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन कौन लेते हैं? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेते हैं. तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये क्वेश्चन क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, अब थोड़ा इस बात को समझते हैं. इंडिपेंडेंट का मतलब है कि जैसे मान लो ये पर्सन है, मैं कह रहा हूँ कि ये मिस्टर ए हैं और मिस्टर ए एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है. इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है. अब क्योंकि ये कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, तो क्या कंपनी इसको धमका सकती है, मिस्टर ए को, कि तुम्हें बोर्ड में, बोर्ड मीटिंग में कुछ भी उल्टी सुलटी बात नहीं करनी, तुम हमारे फेवर की बात करोगे, अगर नहीं करोगे तो हम तुम्हें कंपनी के एम्प्लॉय नहीं मानेंगे और तुम्हें एम्प्लॉयमेंट से निकाल देंगे. क्या ये हो सकता है? दी आंसर इज नो, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है. इसे कंपनी से सैलरी नहीं मिलती. जब इसे कंपनी से सैलरी नहीं मिलती है, तो क्या कंपनी इस पर्सन को धमका सकती है कि हम आपकी सैलरी कम कर देंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता. ये जो पर्सन है, इस पर्सन के पास कंपनी के शेयर्स भी नहीं है. जब इस पर्सन के पास कंपनी के शेयर्स भी नहीं है, तो उससे क्या होगा भाई? अगर मान लो ये कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव खबर आती है मार्केट में, तो इसके शेयर के जो दाम है वो नीचे गिरेंगे, ठीक है. तो उससे ए को भी फर्क पड़ेगा. तो ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है क्योंकि उसके पास शेयर्स भी नहीं है कंपनी के. जब शेयर्स भी नहीं है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. तो ये अपनी बात को खुल करके कह सकता है कि कंपनी में फ्रॉड चल रहा है, कंपनी में लॉस हुआ है, कंपनी में प्रॉफिट बहुत कम हुआ है, कंपनी के प्रॉफिट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इन्फ्लेट करके दिखाया है. तो ये एक तरीके से क्या है, ये बैंड बजाने के लिए होता है बाकी डायरेक्टर्स की. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप इस तरह से समझ लो. तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने से कंपनी के अंदर कॉरपोरेट गवर्नेंस और स्ट्रांग होगा. क्यों? क्योंकि अगर कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी. तो मैंने आपको बताया था कॉरपोरेट गवर्नेंस का क्या मतलब है. कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब है FTA, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है. तो जब ये क्वेश्चनिंग करेगा तो उस बाकी डायरेक्टर्स को बताए कि भैया ये पर्सन जो है, ए जो है, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, और ये आकर के क्वेश्चन करेगा बोर्ड में. जब भी बोर्ड मीटिंग होगी या जब भी कमेटी की मीटिंग होगी, तो क्वेश्चन करेंगे. जो मिस्टर ए की तरह जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो क्वेश्चन करेंगे. जब क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है कि हमारे फ्रॉड को पकड़ लें. तो इससे बेटर क्या है कि हम फ्रॉड ना करें, जो भी कंपनी में रियल हो रहा है उसको बताएं. और अगर कंपनी में प्रॉफिट वगैरह कम होगा तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इनसे पूछेंगे प्रॉफिट कम क्यों हुआ. उससे एक हेल्दी डिस्कशन होगा, और जब हेल्दी डिस्कशन होगा तो उसका एक हेल्दी कंक्लूजन आएगा, और उससे कंपनी अच्छे से आगे अपने फ्यूचर प्लान्स को मैनेज कर सकती है. तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ये एक बहुत अच्छा रोल होता है, ठीक है. ये सारे रोल अल्टीमेटली मैं क्या बता रहा हूँ आपको, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रोल ही बता रहा हूँ, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इम्पार्शियल होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कोई पक्षपात नहीं करता, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होता है. तो अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में यहाँ से हम लोग समझ लेते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का बेसिकली यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं. ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या कहता है. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्ले अ पाइवटल रोल, यानी कि इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग अ ट्रांसपेरेंट, मैंने बताया था FTA,
FTA में ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ट्रांसपेरेंट वर्किंग एनवायरनमेंट इन द कॉरपोरेट रिजीम, कंपनी के अंदर ट्रांसपेरेंट तरीके से काम चले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इस बात को सुनिश्चित करता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट सच कैटेगरी ऑफ डायरेक्टर्स हु आर एक्सपेक्टेड टू हैव इम्पार्शियल, मैंने बोला बिना किसी पक्षपात के इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव जजमेंट, इनकी इम्पार्शियल जजमेंट होती है। ठीक है, ये सीधा बता देंगे अगर कंपनी में फ्रॉड हो रहा है तो ये बता देंगे कंपनी में फ्रॉड हुआ है। क्यों बता देंगे भाई? क्योंकि ये कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, इनको कंपनी से कोई सैलरी नहीं मिल रही, तो इनकी कोई मोह माया नहीं होती कंपनी में, इनके पास कंपनी के शेयर्स नहीं होते। अगर ये बोल देंगे कंपनी में फ्रॉड चल रहा है तो कंपनी के शेयर के दाम नीचे आएंगे, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कंपनी में कॉरपोरेट गवर्नेंस को बहुत अच्छे से इंश्योर करते हैं फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। ठीक है, सेक्शन नंबर टू क्लॉज नंबर 47, ये सेक्शन नंबर टू क्लॉज नंबर 47 किसका है? कंपनीज एक्ट का। जब सेक्शन नंबर टू क्लॉज नंबर 47 से पूछा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्या मतलब होता है, तो इन्होंने बोला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर रेफर टू इन सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन नंबर 6। अब 149 सबसेक्शन नंबर 6 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब बता रखा है। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मीनिंग कहाँ बता रखा है, मतलब कहाँ बता रखा है, 149 सबसेक्शन नंबर 6 में। तो एक बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, उसमें जब उस डेफिनेशन को हम पढ़ लेते हैं तो हमें पता लगता है कि हाँ अगर कोई पर्सन इस डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मान लिया जाएगा। ठीक है, तो उस डेफिनेशन में यही पॉइंट है कि अगर किसी पर्सन को कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, वो कंपनी का प्रमोटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके रिश्तेदार कंपनी में एम्प्लॉयज नहीं होने चाहिए, उसने कंपनी के शेयर्स ना खरीदे हों, उसके रिश्तेदारों ने कंपनी के शेयर्स ना खरीदे हों, उस पर्सन ने कंपनी से लोन ना लिया हो, उसके रिश्तेदारों ने कंपनी से लोन ना लिया हो, उसने या उसके रिश्तेदारों ने किसी और के लिए कंपनी के बिहाफ में गारंटी ना दी हो। ठीक है, तो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं अगर आप उन्हें पूरा फुलफिल कर देंगे, ठीक है मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया, तो फिर आप एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मान लिए जाएंगे। अब किन कंपनीज़ में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, जैसे हमने डिस्कस किया था ना कि वुमेन डायरेक्टर किन कंपनीज़ में होना चाहिए, तो मैंने बताया था हर एक लिस्टेड कंपनी में वुमेन डायरेक्टर होने चाहिए। इसके अलावा हर एक पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक, या फिर टर्नओवर 300 करोड़ रुपए या उससे अधिक की होती है, तो ऐसी कंपनीज़ में वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। इन द सेम लाइन अब हम जानेंगे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स किन कंपनीज़ में होना चाहिए। तो सेक्शन नंबर 149 सब सेक्शन नंबर 4 प्रोवाइड्स दैट एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी। अब आप बोलेंगे कि ये तो भाई वुमेन डायरेक्टर वाला ही पॉइंट आ रहा है, टू सम एक्सटेंट यू आर करेक्ट, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे वुमेन डायरेक्टर वाले में क्या लिखा है, वुमेन डायरेक्टर में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ लिखा है लिस्टेड कंपनी और यहाँ पर क्या लिख रखा है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक लिस्टेड प्राइवेट कंपनी है तो फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर लिस्टेड प्राइवेट कंपनी है तो वुमेन डायरेक्टर की भी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली उन्होंने बोल दिया कि लिस्टेड पब्लिक कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमें चाहिए और कितने चाहिए, शेल हैव एटलीस्ट 1/3। जैसे यहाँ पर हमने कहा था ना कि कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, देखो अपॉइंट एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ द लिस्टेड, ये ऑन द बोर्ड ऑफ द एवरी लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी जिसके पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर थ्रेशोल्ड से ऊपर है। तो यहाँ पर ऊपर जैसे वुमेन डायरेक्टर केवल एक चाहिए थी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने चाहिए पब्लिक लिस्टेड कंपनी में, 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। अगर मान लो मेरी कंपनी के बोर्ड में 6 डायरेक्टर्स हैं तो 6 का 1/3 कितना निकल जाएगा, 2। तो कम से कम 2 मुझे क्या चाहिए होंगे जी, कम से कम 2 मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब द मिनिमम नंबर, ठीक है ये सब, और इन एनी अदर क्लास और क्लास ऑफ द पब्लिक कंपनी। तो जैसे वहाँ पर भी था ना कि पेड अप शेयर कैपिटल इतनी, टर्नओवर इतनी, तो वैसे कुछ कंडीशंस यहाँ पर भी होती हैं। अब मैं उतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो लिमिट आप याद कर नहीं पाओगे इतनी जल्दी, तो अभी उतना डिटेल में जाने का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आप सिंपल इतना याद रख लो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन सी कंपनी में होना चाहिए, लिस्टेड पब्लिक कंपनी में होना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड बाकी पब्लिक कंपनीज में भी होना चाहिए। नाउ कितने होने चाहिए जी लिस्टेड पब्लिक कंपनी में, जो टोटल बोर्ड है, जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने 6, ठीक है, अगर 9 होते तो कम से कम कितने, 1/3, यानी कि 3 × 3 = 9, यानी कि कम से कम मेरी कंपनी में 9 डायरेक्टर्स में से 3 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, 1/3।
अब बात करते हैं नॉमिनी डायरेक्टर की। नॉमिनी डायरेक्टर का क्या मतलब होता है, इसको भी मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये कंपनी है, ठीक है। अब इस कंपनी ने क्या ले रखा है, इस कंपनी ने लोन ले रखा है। लोन किससे ले रखा है जी, लोन ले रखा है SBI से, लोन ले रखा है एक्सिस बैंक से, लोन ले रखा है फेडरल बैंक से, ठीक है, लोन ले रखा है PNB से, इन सब से इन्होंने लोन ले रखा है। और कॉरपोरेट वर्ल्ड में इनके ग्रुप को हम कहते हैं कंसोर्शियम, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सभी से इस कंपनी ने लोन ले रखा है। अब SBI, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, PNB बैंक क्या चाहेंगे कि जिस पर्पस के लिए हमने इस कंपनी को लोन दे रखा है, ये कंपनी उसी पर्पस के लिए इस लोन को यूटिलाइज करे, यानी कि किसी और काम के लिए यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। अब इस बात को सुनिश्चित करने के लिए, इस बात को इंश्योर करने के लिए ये सभी बैंक्स क्या करते हैं, अपना एक नुमाइंदा, अपना एक पर्सन यहाँ पर भेज देते हैं। तो इस पर्सन को हम क्या नाम दे देते हैं, इस पर्सन को हम नाम दे देते हैं नॉमिनी डायरेक्टर, यानी कि इसे नॉमिनेट किया गया है इन बैंक्स के द्वारा। किसमें नॉमिनेट किया गया है, कंपनी के बोर्ड में। तो ऐसे डायरेक्टर को हम क्या नाम दे देते हैं, नॉमिनी डायरेक्टर। अब ये नॉमिनी डायरेक्टर क्या सुनिश्चित करेगा बताओ, ये नॉमिनी डायरेक्टर इनको क्या बताएगा कि जिस पर्पस के लिए लोन दिया गया है कंपनी को, ये उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज करे, ठीक है। और क्या ये सुनिश्चित करेगा कि कंपनी ने जो लोन ले रखा है, मान लो 200 करोड़ रुपए या 2000 करोड़ रुपए का लोन ले रखा है, से फॉर एग्जांपल, कि कंपनी कुछ ऐसी एक्टिविटी ना करे जिससे कि कंपनी को नुकसान हो और कल को ये 2000 करोड़ रुपए का लोन वापस ना कर पाए। इस 2000 करोड़ रुपए के लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना है, कंपनी उसे टाइमली पे करे, कंपनी उसमें कोई डिफॉल्ट ना करे, कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड ना हो। तो ये सारी बातें कौन सुनिश्चित करेगा, ये सारी बातें नॉमिनी डायरेक्टर सुनिश्चित करेगा। तो ये नॉमिनी डायरेक्टर का रोल हो गया, ठीक है। तो देखो समझो, अब यहाँ पर क्या कहते हैं, कहते हैं एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन नंबर 149 सब सेक्शन नंबर 7 ऑफ द एक्ट डिफाइंस द मीनिंग ऑफ द नॉमिनी डायरेक्टर। इट मीन्स अ डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये जो SBI है, जो एक्सिस बैंक है, फेडरल बैंक है, PNB है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो हो गए, ठीक है। दीज आर दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन पर्सन ऑफ द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स और एनी एग्रीमेंट और अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और बाय द पर्सन रिप्रेजेंटिंग देयर इंटरेस्ट। तो सिंपली क्या मतलब हो गया जी नॉमिनी डायरेक्टर का, नॉमिनी डायरेक्टर का मतलब ऐसा डायरेक्टर जिसे किसने नॉमिनेट कर रखा है, जिसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने नॉमिनेट कर रखा है, जिसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने नॉमिनेट कर रखा है, या फिर जिसे गवर्नमेंट ने नॉमिनेट कर रखा है। भाई गवर्नमेंट भी तो कर सकती है, गवर्नमेंट ने आपको आपकी कंपनी को सब्सिडी दी है। अब गवर्नमेंट कहती है कि हमारा एक नुमाइंदा यहाँ पर बैठेगा कि वो सब्सिडी आप ठीक से यूटिलाइज कर लो, जिस पर्पस के लिए आपको सब्सिडाइज किया गया है क्या वो पर्पस आप उस तरीके से फुलफिल कर रहे हो या नहीं कर रहे, या फिर किसी और पर्सन के द्वारा नॉमिनी बैठाया गया है, ठीक है। तो ये सिंपली आपको यहाँ पर लिख देना है कि नॉमिनी डायरेक्टर मतलब ऐसा डायरेक्टर होता है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या सरकार के द्वारा या किसी और पर्सन के द्वारा नॉमिनेट किया गया है कंपनी के बोर्ड में। और ये किनके हितों की रक्षा करेगा, ये अपने मालिक के हितों की रक्षा करेगा ना नॉमिनी डायरेक्टर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा जो मैंने बताया था। डिस्कस द रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो पूरी जो मैंने लास्ट वीडियो और ये वाली वीडियो में मैं जो आपको समझा रहा हूँ, मैं यही समझा रहा हूँ कि आपको मैंने बता दिया। सबसे पहले मैंने, अब मैं क्रक्स पूरा समअप कर देता हूँ, मैंने आपको बता दिया कि बोर्ड का क्या मतलब, मैंने आपको बताया बोर्ड का क्या मतलब है, डायरेक्टर का क्या मतलब है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का क्या मतलब है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का क्या मतलब है, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बता दिया कि एग्जीक्यूटिव में होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर आते हैं, इनके अलावा जो भी डायरेक्टर्स होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। फिर मैंने आपसे क्रॉस क्वेश्चन करे कि जैसे एक वुमेन डायरेक्टर क्या वो एग्जीक्यूटिव या नॉन एग्जीक्यूटिव है, तो ये डिपेंड करता है कि क्या वो एग्जीक्यूटिव के फीचर्स को शेयर कर रही है या नॉन एग्जीक्यूटिव के फीचर्स को शेयर कर रही है। अगर वुमेन डायरेक्टर ऐसी है जो एग्जीक्यूटिव के फीचर्स को शेयर कर रही है तो फिर हम उसे क्या नाम दे देंगे, उसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कह देंगे, अदरवाइज उसे हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया था कि कंपनी में मिनिमम और मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं। तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग 1% कंपनी में 8 डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर और पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर मिनिमम हो सकते हैं। इनकी संख्या को 15 तक भी हम बढ़ा सकते हैं, और 15 के बियॉन्ड अगर आपको बढ़ाना है तो फिर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा।
लिस्टेड कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया था कि लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है, जैसे NSE BSE में जो लिस्टेड है, ठीक है, जिनके इक्विटी शेयर से लिस्टेड है। उसके बाद अब बेसिकली आप पूछेंगे कि फिर तो रोल तो मैंने बताया नहीं भाई, रोल क्या है? रोल तो वही है ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्या रोल है? ये मैंने आपको वीडियो को अगर आप ध्यान से सुन के फिर मैंने बता रखा है। वुमेन डायरेक्टर का अपने में ऐसा कोई रोल नहीं है। नॉमिनेट डायरेक्टर का मैंने बता दिया, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मैंने आपको बता दिया। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अल्टीमेटली क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ही तो हैं, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का जो रोल है वही तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो मैंने आपको बताया वो सेम रोल है। तो जैसे जैसे आप इन वीडियोज़ को सुनते जाएंगे ना बार बार, तो आपको समझ आते जाएगा कि रोल अपने में अलग अलग याद नहीं करना आपको। जो मैं इनके फीचर्स बताते जा रहा हूँ वही रोल है, ठीक है। मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्या काम है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का काम है कि इम्पार्शियल तरीके से अपनी जजमेंट पेश करना कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने काम करके दिया है क्या वो ठीक है, कई कंपनी में कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं हो रहा, अगर फ्रॉड हो रहा है तो उसको हाईलाइट करना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे बाकी कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।